Yes, sir. One second, please. The question number, sir. I am Mr. Fatima from Ladakh, Kargil. So, मेरा question बहुत general है, कोई great. आपका issue है sir, मैं काफी time से आपको follow कर रहा हूँ कि इससे पहले जैसे कि उन्होंने बताया कि इससे पहले भी आपने किया था, जब आप 25 days के लिए आपने. Thank you so much, sir, for joining us today. शहर से हमसे जुड़े हैं, लद्दाख के छात्र छात्राएं और हमारे साथ आए लगभग 150 पदयात्री मेरे साथी. He has dedicated his life to finding sustainable solutions for the region's environmental and educational challenges. His iStupa project has gained worldwide attention as an innovative solution to water scarcity caused by melting glaciers. He is a recipient of prestigious Raymond Magsaysay Award and continues to inspire people globally with his work. Without any further ado, please join me in welcoming Mr. Sona Mamchuk. सबका अभिनंदन गुरुद्वारा के प्रबंधन समिति के सदस्य और जो चंडीगढ़ शहर से हमसे जुड़े हैं, लद्दाख के छात्र छात्राएं और हमारे साथ आए लगभग 150 पदयात्री मेरे साथी जो उसका प्रबंधन कर रहे हैं और मीडिया के साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन झूले लद्दाख. अभी मेरे साथी पद्मा जी ने आपको स्थानीय परिवेश लोकल कॉन्टेक्स्ट दिया इस अभियान का, जो कि एपेक्स बॉडी ले के नेतृत्व में छिड़ी हुई है. से आपको जरा लद्दाख के स्थानीय परिवेश की समझ बनी होगी. जहाँ तक मेरे इस अभियान से जुड़ने का सवाल है, तो मैं पिछले 35 सालों से लद्दाख और हिमालय के पर्यावरण के संरक्षण के लिए समाधान सॉल्यूशंस देने में लगा हूँ. वो चाहे फिर शिक्षा के समाधान हो या शिक्षा द्वारा उपजित अन्य तकनीकी समाधान हो, जैसे पानी की कमी हो एक रेगिस्तान मरुभूमि में लद्दाख जैसे, या फिर जिस तरह की सर्दी पोलर विंटर्स जो लद्दाख में होते हैं उसमें हम कैसे बिना प्रदूषण के, बिना हानि के पृथ्वी को, प्रकृति को पहुंचाए ठंडे प्रदेशों में भी रह सकते हैं. उसी तरह कैसे हम गर्म प्रदेशों में भी कम हानि के साथ ऐसे जीवन जी सकते हैं कि हमारे आराम दूसरों के लिए कष्ट न बने और प्राणियों के लिए, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं इस धरती पे,
तो बाकी प्राणियों के लिए डिस्कम्फर्ट और हमारे लिए कम्फर्ट हो तो वो कोई विकास नहीं है। तो इन समाधानों पर मैं काम करता आया हूँ 3-4 दशकों से, जब से मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, और देखता आया हूँ हिमालय की हालत को बिगड़ते हुए। और हिमालय क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी स्वास्थ्य, इसकी हालत, क्योंकि ये सिर्फ हिमालय हिमालय का नहीं है, वहां बसने वाले 50 लाख लोगों का नहीं है, बल्कि जो 200 करोड़ लोग इस पर निर्भर करते हैं, इसके पानी पर, उन सब का मुद्दा है ये। दुनिया की, इस दुनिया की 1/4 आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हिमालय के ग्लेशियर्स और उसके पानी पर निर्भर है। तो हिमालय पूरे भारत और उत्तर की तरफ तिब्बत और चीन सबके जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इसको हमें वो सम्मान देना, वो संरक्षण देना, ये उस तरह है जैसे अपनी जिंदगी को कदर करना है। मगर दुर्भाग्य से हम देखते ये हैं कि हम हिमालय को भी आज यूज एंड थ्रो कल्चर में लिए जा रहे हैं। जिस तरह से हम यूज एंड थ्रो कपड़ों का कर रहे हैं, खरीद के एक बार पहनते हैं फेंकते हैं, खाली प्लेटों का कर रहे हैं जो हम कचरों में देखते हैं, पानी पी हैं तो यूज एंड थ्रो, हर जगह यूज एंड थ्रो किए जा रहे हैं, वैसा ही बर्ताव हम हिमालय के साथ भी कर रहे हैं। और हिमालय जलवायु परिवर्तन में सबसे जख्मी शिकार है। जलवायु परिवर्तन वैसे तो सब पर असर करेगा सूनर और लेटर, अगर हिमालय पे सूनर कर रहा है, यहाँ की तापमान और तेजी से बढ़ रहा है बाकी दुनिया से भी, और यहाँ के ग्लेशियर जिनमें से बहुत से लद्दाख में हैं, बहुत ही तेजी से पिघलते जा रहे हैं। ये एक अलार्म है, खतरे की घंटी है, न सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए, न सिर्फ 5 मिलियन हिमालय वासियों के लिए, बल्कि 2 बिलियन विश्व की जनसंख्या के लिए भी। तो हमें सोच समझ कर, फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा, और इसमें कुछ जिम्मेदारियां हिमालय वासियों की भी हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां दुनिया की, लोगों की जो कि बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनकी भी है। क्योंकि आज अगर हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे वजह से बहुत कम, बल्कि दुनिया के जो कार्बन उत्सर्जन है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसे में पूरे दुनिया की नजर जानी चाहिए इस त्रासदी पे, और खासकर जो शहरों में रहते हैं जिनके जीवन शैली कुछ इस तरह की बन गई हो है, जैसे कि कल हो ही ना, आज ही हम ऐश और अय्याशी करें, फिर आगे कोई कल नहीं है, आने वाली पीढ़ियां है ही नहीं, इस तरह से लोग जी रहे हैं। आज हवा सांस लेने लायक नहीं रही है, पानी पीने लायक नहीं रहा, बल्कि छूने लायक बहुत जगहों पे तो मिट्टी में से जहर वाले सब्जियां फल फूल निकल रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, इसकी परिभाषा बदलनी होगी, ऐसा हम देखते आए हैं पिछले कई दशकों से। आपको पता है सिर्फ हवा के प्रदूषण से चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, अगर दुनिया को देखें तो फिर बीजिंग, पेरिस, लंदन, हवा के प्रदूषण अकेले से लगभग 1 करोड़ लोग हर साल मर रहे हैं। और शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में लोगों की जीवन घटकर 10 से 15 साल कम हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं प्रदूषण के कारण, और हम इसका कोई चर्चा तक नहीं करते। हमारे
अखबार, हमारे टीवी चैनल इस मर्डर का चर्चा नहीं करते हैं, इस सरेआम जो कत्लेआम हो रहा है, जिन बूढ़ी माओं को या पिताओं को 90 साल जीना था वो 80 पे मर रहे हैं, 75 पे मर रहे हैं, अगर 10 या 15 साल काम हो रहा है तो, मगर इस मौत का चर्चा भी नहीं हो रहा है। छोटे छोटे कहीं कुछ हादसा हो जाए वो बड़े समाचार बनते हैं, मगर जो ये कत्लेआम हो रहा है, जो 1 करोड़ लोग मर रहे हैं, भारत में 25 लाख, 1/4 करोड़, इसका कोई चर्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्लो मर्डर है, बहुत धीमे से, मगर मर्डर मर्डर है, मगर सोच नहीं रहा है कोई। मैं खुद हैरान रहा जब मैं ये सोचने लगा कि ये अप टू 10 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ जो मर रहे हैं प्रदूषण से हवा के, ये कितनी संख्या है। करोड़ लोग समझ नहीं आ रहा था, तो मैं पीछे देखने लगा इतिहास में कि लोग इतने बड़े तादाद में कब मरे, तो जाहिर है जंगों में मरे होंगे, और जंगों में सबसे बड़ी जंगें कब हुई, दूसरी जंग अजीम, पहली जंग अजीम World War I, World War II, तो मैंने देखा कितने लोग मरे, तो पाया कि पहली और दूसरी वर्ल्ड वॉर में लगभग 10 करोड़ लोग मरे लगभग, और कितने सालों में मरे तो देखा दोनों को मिला के लगभग 10 साल लगे, 10 साल में 10 करोड़ मरे, तो 1 साल में कितने मरे उन जंगों में, 1 करोड़। और मैंने क्या कहा, आजकल मर रहे हैं केवल प्रदूषण से 1 करोड़, यानी कि इस हद से मर रहे हैं जिस हद से मरे थे सिर्फ विश्व युद्धों में, जंगे अजीमों में, वर्ल्ड वॉर्स में, और हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो एक तीसरी जंगे अजीम World War III has already started। देखा जाए तो ये सिर्फ देशों के बीच में नहीं है, ये मनुष्य और प्रकृति के बीच में, और इस जंग में सिर्फ ह्यूमन बीइंग इंसान नहीं मर रहे हैं, कितने ही पशु पक्षी फूल पौधे मर ही नहीं, बल्कि उनकी तो प्रजाति ही खत्म हो रही है, एक्सटिंक्शन, यानी कि उसके बाद कभी वो नहीं आएंगे, उनको बनने में करोड़ों साल लगे, मगर अब हमने पिछले 50 सालों में, आपको मालूम है जंगली जानवर 50% पे पहुंच गए, जिनको बनने में करोड़ों करोड़ों साल लगे, 50 साल में हमने उनको आधा कर दिया, सजाएं मौत सुना दी, ये हालत कम कर रहे हैं हम, और इसको हम कह रहे हैं डेवलपमेंट, इसको हम कह रहे हैं ग्रोथ। तो हमें दोबारा सोचने की जरूरत है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मनुष्य तो मनुष्य खुद पे ये मोल लिया हुआ मुसीबत है उनके लिए, तो खुद खरीदा हुआ, खुद ने ये कमाया है मुसीबत, मगर उन प्राणियों का क्या, उन कीड़ों मकोड़ों का क्या, पशु पक्षियों का क्या, फूल पौधों का क्या, जिनका कोई कसूर नहीं है और उनको भी साफ किया जा रहा है। तो ये हालत हिमालय में और ज्यादा तीव्र स्तर पर हो रहा है, ये मैं देखता आया हूं, और इसलिए सदा कहता आया हूं कि हमें हिमालय को एक विशेष दर्जा देने की जरूरत है। इसे हम वैसे बर्ताव ना करें जैसे हम किसी भी और जगह के साथ करते हैं जो कि संवेदनशील उतने नहीं है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, शायद उतने संवेदनशील नाजुक ना हो, वहां भी ना करें, मगर हिमालय के साथ तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक है, और ये स्रोत है आपके पानी का, बाकी मैदानी शहर आपको पानी नहीं देंगे, जमीन देगी, मगर हिमालय पूरे भारत के पानी का स्रोत है।
हमारा रक्षक है हिमालय, सदियों से इसने हमारी रक्षा की है, देवों का वास है यहाँ, अबोर्ड ऑफ गॉड। तो इसके साथ हम ऐसा बर्ताव कैसे कर रहे हैं, कचरे कहीं जख्म किए जा रहे हैं, खोद कर काट कर, कहीं चार लेन सड़कों के नाम पर, कहीं सुरंगों के नाम पर, कहीं हाइड्रो पावर के बांधों के नाम पर नदियों पर लगाम लगा रहे हैं, और कहीं सोलर बिजली के नाम पर सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर के चरागे जानवरों के, इंसानों के बलि चढ़ा रहे हैं। और इंसान भी कौन से इंसान, ये जो लद्दाख के चरवाहों के जमीन को लेके बिजली निकलेगी, या हिमाचल के नदियों को डुबाकर, वहां रहने वाले लोगों को डुबाकर विस्थापित करके बिजली निकलेगी, उससे अगर किसी मरीज की जान बचती है चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में तो हमें कोई दर्द नहीं है, हम सह लेंगे। उससे अगर किसी छात्र छात्रा की पढ़ाई पूरी होती है तो हमें खुशी होगी कि हमारे चरागे काम आए, हमारे नदियां गांव की कुर्बानी काम आए, मगर इसका इस्तेमाल कम और जाया वेस्टेज ज्यादा किया जाता है। अभी मैं बाहर बोल रहा था, दुख हमें तब होता है जब बड़े बड़े शहरों में आप एयर कंडीशनर्स एक कमरे में जरूरत हो तो चार चार लगा देंगे, और वो भी तपती हुई गर्मी बाहर है 45 डिग्री की, अंदर आप 20 डिग्री 16 डिग्री करके रजाइयां ओढ़ के सोएंगे। इसे आराम नहीं, अय्याशी कहते हैं, ये खिलवाड़ है। हम क्यों लंदन और न्यूयॉर्क का इतना गुलाम हो गए हैं कि उनके जैसे मौसम को अपने कमरे में लाएं और फिर रजाइयां उनकी तरह ओढ़ के सोएं। मैं एक होटल में गया, मुसीबत में पड़ गया, एसी चलाऊं तो गलानी होती है कि मुझे पता है इस बिजली का क्या होता है, कैसे निकलता है ये बिजली। और आपको बताऊं, एसी और ये जो बल्ब हैं इनमें बहुत फर्क है, 50-60 बल्बों की बिजली जाती है एक एसी को चलाने में, इतने बड़े निकलता है बिजली को ये एसी। जरूरत के मुताबिक चलाएं तो बहुत अच्छा है, 45 डिग्री किसी के लिए अच्छा नहीं है, मगर भारत के लोग 28-30 डिग्री पे सबसे आराम महसूस करते हैं, ऐसा कहा जाता है अध्ययनों में 26 से 30 में, और हम बना रहे हैं 20 की ठंडक, जिसमें कि हम लद्दाख के लोग थरथराते हैं। ऐसी अय्याशी मैं देख रहा हूं, और होटल में क्या करूं, एसी बंद करूं तो रजाई है, रजाई के सिवा कुछ नहीं है, कोई चादर नहीं है, आपको रजाई ही पहनना है, तो रजाई पहनने के लिए तो 20 डिग्री करना पड़ेगा। तो आजकल मैं अपना चादर लेके चलता हूं ताकि एसी बंद करके अपने चादर में कुछ हो सके। तो ये मैं कह रहा था कि दुख इस बात की होती है कि हमारे बिजली के साथ जिसने हमें इतना जख्मी किया है, हमारे वादियों को घाटियों को जंगलों को पशु पक्षियों को मारा है, विस्थापित किया है, गांव के गांव डूबे हैं, अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। आपको पता है मैं जब बिलासपुर से आ रहा था तो वो मुझे दिखाने लगे, ये है भाखड़ा नांगल डैम जहां से बिजली और पानी का सप्लाई किया जाता है, और वो रहा एक मंदिर का टिप जो झील में से दिख रहा है, पहले यहाँ गांव था, सब डूब गया है और अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला है जिनको विस्थापित किया। तो विस्थापन बहुत आसानी से करते हैं लोगों की जिंदगी को, मगर स्थापन करने पे कोई याद नहीं रखता, उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसे ही चार लेन सड़क वाले कह रहे थे, हमें ये कहकर वो कहकर हटाया गया, और अभी 4 साल हो गए 7 साल हो गए कुछ भी हमें नहीं दिया गया। तो इतनी आसानी से हम तहस नहस करते हैं हिमालय को, मगर यहाँ आके देखते हैं लोग तो ऐश और अय्याशी में इसे फूंक रहे हैं, गवा रहे हैं उस बिजली को। तो दुख होता है, हमारी कुर्बानियां यहाँ पर तो उड़ाई जा रही हैं। तो इसलिए हम सरकार के साथ साथ लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप अपना जीवन सादा कीजिए,
आप अगर चार नहीं दो एसी चलाएं, 20 डिग्री नहीं 28 डिग्री पे रखें, तो शायद जब आप आधा करेंगे खपत को, कंजम्पशन को, तो शायद आधे नदियां तो बच जाएं, आधे चरागे तो बच जाएं, आधे जो माइंस हैं वो बच जाएं, और यहाँ जो कोयले के खानों से बिजलियां चलाई जाती हैं सिर्फ हिमालय से नहीं, वो बच जाएं, आधी बर्बादी बच जाएं, आधा नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा 10%, एक दहाई से भी हम बहुत आराम से रह सकते हैं अगर हम अपना सूझबूझ चलाएं। तो ये सिर्फ आपके पैसे की बात नहीं है, मेरे पास पैसे हैं तुम्हें क्या है मैं ऐसी चार नहीं पांच लगाऊं, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, जिंदगी और मौत की बात है। कहीं डूब रहे हैं, कहीं जल रहा है जंगल, और आप कहते हैं मेरे पास पैसे हैं तो आप बंदूक खरीदिए, सबको मार डालिए, पैसे हैं आपके पास। तो ये ऐसा ही हो रहा है, आज की हिंसा इस तरह से हो रही है। हम कहते हैं ना नॉन वायलेंट, अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं हम, हर धर्म अहिंसा की बात करता है, मगर आज हिंसा बंदूकों और छुरियों से नहीं हो रहा है, आज हिंसा एयर कंडीशनर से हो रहा है, आज हिंसा बहुत ही साफ सुथरे दिखने वाले कारों से हो रहा है, कपड़े जो की जरूरत नहीं है, चार जोड़ी चाहिए आपने 40 जोड़ियां भर रखी हैं, उन हर कपड़े के पीसेस को बनाने के लिए कारखाने चल रहे हैं, वो धुआं छोड़े जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जा रहे हैं, खनन कर रहे हैं उसके रॉ मटेरियल्स के लिए, और हिमालय बर्बाद हो रहा है। तो ये शहरों के लोगों को भी इसमें सहभागी होना होगा, तभी हम मिलके बचा सकते हैं पृथ्वी को, देश को और हिमालय को। तो इस हिमालय को खासकर एक विशेष दर्जा देकर बचाना होगा, ये मैं कहता आया हूं, और जहां जो प्रावधान मिले वो लागू करके हमें बचाना होगा। नहीं हो कोई प्रावधान, कानून नहीं हो तो बनाने होंगे सरकार को, जहां है उसको लागू करें। तो वहां बात आती है जो मेरे भाई पद्मा जी बोल रहे थे, लद्दाख में सिक्स शेड्यूल के लिए लोग वचन याद दिलाने जा रहे हैं। उस सिक्स शेड्यूल ऐसा प्रावधान है जिसने बहुत से राज्यों में बचा रखा है प्रकृति को, क्योंकि छठवें शेड्यूल में मैनेजमेंट की, गवर्नेंस की, प्रबंधन की, संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है स्थानीय लोगों को, खासकर जनजातीय लोगों को, जो दूर दराज के पहाड़ों में और जंगलों में हमारे जनजाति रहते हैं, इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप संभालें इस नाजुक जगह को, हमसे ना होगा, आपका घर है ये, सदियों से रहा है, आपने रहना है इधर पीढ़ी दर पीढ़ी, आप ही संभालिए। ऐसा भारत माता ने कहा 1950 में जब संविधान बना, कि हमें नहीं समझ आएगा आपके जंगलों और पहाड़ों में कैसे जीना है, आप संभालिए, आपको हम ये हक देते हैं, ऐसे परिषद काउंसिल बना के देंगे जिसमें आप नियम बनाएंगे, आप प्रबंधन करेंगे, हम शहरों के लोगों से आपका संभाला नहीं जाएगा, आपको हम ये हक देते हैं। ये है छठवां शेड्यूल, स्थानीय लोगों को पावर नहीं, मैं जिम्मेदारी कहूंगा, संभाले रखने की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को देती है छठवां शेड्यूल। पांचवा शेड्यूल भी जहां तराई में, प्लेन्स में है ऐसे जनजाति, मध्य प्रदेश के जंगलों में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, वहां पांचवा शेड्यूल जिम्मेदारी स्थानीय जनजातियों को देता है, पहाड़ों में छठवां शेड्यूल जिम्मेदारियां स्थानीय जनजातियों को संभालने की देता है। और ये बहुत समझदारी भी है पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो तो सदियों से संतुलन में रहे हैं ना उन इलाकों में, और रहना भी है, तो किसकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, जो सदियों से रहे हैं और रहने वाले हैं, या जो 3 साल के पोस्टिंग पे आए हैं। 3 साल के लिए कोई बड़े से बड़ा अफसर भी आए, चाहे जितना बुद्धिमान हो, पहले तो उन्हें समझ नहीं आएगा ये जगह क्या है, खासकर लद्दाख जैसे जगहों पे।
और वो 3 साल में से 2 साल तो समझने में लगाएंगे, 3रा साल वो अपना जाने में तैयारी करेंगे और कोई नया आके गलतियां दोबारा दोहराएगा। तो ऐसे नाजुक हिमालय को आप ऐसे नौसिखिया भले ही बड़े अकलमंद हो मगर गलतियां बहुत कर बैठेंगे। दूसरी बात, गलतियां करें या ना करें उनका कोई स्टेक नहीं है, उनकी कोई लगानी नहीं है, उन्होंने नहीं रहना है वहां। गलतियां होंगी तो उसका नुकसान कौन भुगतेगा? वहां पे रहने वाले लोग, तो उनको क्यों ना बेहतरीन संभालेंगे। ये है छठवां शेड्यूल, और छठवें शेड्यूल में फिर ये लोग निर्णय करेंगे कि कैसे प्रबंधन, मैनेजमेंट, गवर्नेंस या कैसे विकास डेवलपमेंट करें अपने इलाके का। ऐसा नहीं है कि छठवें शेड्यूल में कोई विकास नहीं होगा, विकास विरोधी है, एंटी डेवलपमेंट है, नहीं, डेवलपमेंट होगा मगर इन स्थानीय लोगों की सहमति से होगा, सहभागिता से होगा। वो निर्णय करें कैसी चीजें आपको चाहिए, कैसी नहीं चाहिए। ये जहर है हम नहीं लेंगे, ये दवा है हम लेंगे, ये चूज करने की हक तो होनी चाहिए ना किसी भी जगह पे। पैराशूट वाला तो आपको जहर भी दवा बोल के दे के चला जाए, उनको तो मरना नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं वो तो जहर अलग रख के दवा को लेंगे। तो छठवें शेड्यूल में किसी विकास को नहीं रोका जाता, किसी उद्योग को भी जरूरी नहीं है रोकें, यहां तक कि खनन माइनिंग भी अगर लोग चाहें और देखें कि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, देश को जरूरत है, तो वो कहेंगे करें आप। अगर किसी को फायदा, किसी को लगभग 1-2 को हो और सबका नुकसान हो तो वो कहेंगे ना करें। ये है छठवां शेड्यूल कि लोग निर्णय करेंगे क्या उन्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए। इतना तो हक होना चाहिए ना कि वो निर्णय करें, उसमें वो सहभागी हो। अभी कैसा है कि अभी लद्दाख में लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं, लोग कुछ भी निर्णय नहीं कर सकते, नियम कानून नहीं बना सकते, अफसर जो 3 साल के लिए आते हैं वो सब कर सकते हैं। तो ये कितना जायज मांग है कि वो कहें हमें भी जिम्मेदारी दीजिए, हम भी संभालेंगे अपनी घाटियों को जिनको हमने हजारों सालों से संभाला है। इतनी सी बात लद्दाख के लोग कह रहे हैं, लोकतंत्र के फल हमें भी दीजिए। वो चाहे छठवें शेड्यूल के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से दीजिए या फिर असेंबली से दीजिए जैसे हर स्टेट में होता है। तो ये है छठवां शेड्यूल और स्टेटहुड का मसला। तो लद्दाख में मैं कह रहा था ये प्रावधान है पहले से और है, ऐसा सरकार को भी मालूम है, इसीलिए उन्होंने 2019-20 में वचन दिया लद्दाख के लोगों को कि हम आपको छठवें शेड्यूल में ये जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। अब उसके बाद देरी हुई कहिए या बदल गए कहिए, बहुत समय लगा, तो इसको याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं कि आप ये लागू कीजिए। ये प्रावधान तो है ही संविधान में, नया लाने की भी जरूरत नहीं है, आप ही का वचन है ना। अब लद्दाख के लिए तो वो है, मगर सिर्फ लद्दाख तो नहीं है हिमालय, हिमाचल में क्या होनी चाहिए, उत्तराखंड में क्या होनी चाहिए, सिक्किम, अरुणाचल, हर जगह हम ये कहते हैं कि जो नियम कानून प्रावधान हैं उन्हें सख्ती से लागू करें, उन्हें नजरअंदाज नहीं करें। ये कंपनी को तो करने दो, ये तो इस तरफ की है उस तरफ की है, ये जो चाहे करने दी जाए, ये जो लोग स्थानीय लोग कर रहे हैं इन पे सारा कानून लागू कर दो, रोक दो, ऐसा ना हो, सही हो, न्यायपूर्वक हो और सख्ती से हो ताकि हिमालय के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और अगर ऐसा कोई नियम कानून नहीं है प्रावधान तो वह लागू लाया जाए ताकि स्थानीय लोगों को, चाहे हिमाचल में हो या उत्तराखंड में हो या पंजाब हरियाणा में हो, उनको सशक्त किया जाए, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए अपने इलाके की विकास की। तो ये हम कहते हुए लद्दाख से आ रहे हैं कि
लद्दाख को तो बिल्कुल, क्योंकि हम वहीं से आए हैं ये संदेश लेके, बाकी पूरे हिमालय को भी हमें संरक्षित करना होगा। और दिल्ली जाके हम यही 2 अक्टूबर को संदेश ले जा रहे हैं देश के आगे। आप लोगों को सरल भाषा में अगर बताऊं, वो बड़ा नजारा जिसका स्थानीय परिवेश मेरे साथी पद्मा जी ने दिया, उसकी बड़ी तस्वीर यह है कि हमें पूरे हिमालय को संरक्षण देने की जरूरत है। सिर्फ प्रकृति, पहाड़ों और नदियों को नहीं, उन लोगों की संस्कृति को भी जिन्होंने इसे बचाए रखा अभी तक, क्योंकि लोग ही करेंगे इसका फायदा भी और नुकसान भी। और लोगों की जो अच्छी संस्कृति है, सभ्यता है हिमालय में, उसे हम बचाए रखें लुप्त होने से, ताकि ये कॉमर्स का कल्चर वहाँ इस तरह ना आए जिस तरह से बाकी पृथ्वी पर आया है। तो ये हम दुनिया को भी संदेश देना चाहते हैं, हिमालय में रहने वालों को भी और सारे नगरों के नागरिकों को, कि आप भी इसमें योगदान दें, अपना जीवन शैली बदलें, सरल करें और हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ जोड़ें, क्योंकि लोकतंत्र में जो लोगों की प्राथमिकता है वही सरकार की प्राथमिकता बनती है, होती नहीं है मगर बनती है। अगर लोग चाहेंगे पर्यावरण तो सरकार उसी पे काम करेगी। अगर लोगों में कोई पर्यावरण के लिए रुचि नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो सरकार उन पे काम करेगी जिन पे आपको प्राथमिकता आपकी है। तो इसलिए पर्यावरण को प्राथमिकता बनाएं, ऐसा हमारी विनती है आप सबसे भी, चंडीगढ़ के निवासियों से भी, क्योंकि पर्यावरण की प्राथमिकता का मतलब है सांस लेने की हवा को प्राथमिकता दें। आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म से हैं, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो भी जाए जरा सा भी, कोई मरेगा नहीं, मगर अगर आपकी हवा ही जहरीली हो जाए तो सब मरेंगे। वही बात पानी पर है, प्राथमिकता दें कि आपके आने वाले बच्चे कैसा पानी पिएंगे, उनके शरीर के अंदर क्या पानी जाएगा, क्या हवा जाएगा, क्या उनके दिमाग का हाल होगा अगर वो प्रदूषित हवा सांस में लेते हैं, प्रदूषित पानी लेते हैं। तो इन चीजों को प्राथमिकता देने में कौन सा रॉकेट साइंस है। पर्यावरण को प्राथमिकता ना देके हम छोटे छोटे बातों को बड़ा बड़ा बना के एक दूसरे को मरने मारने पे उतर आए तो ये हास्यास्पद है। यही संदेश हम देना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी है कि पंजाब और चंडीगढ़ में लोगों ने इतने प्यार और मोहब्बत से हमारा साथ दिया, हमसे जुड़े और आगे भी जुड़ सकते हैं। हमारे बारे में आप सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिएगा, अगर आप चाहें तो 2 कदम हमारे साथ चल सकते हैं। कल सुबह 6:30 बजे हम यहीं से डेरा बस्ती की तरफ रवाना होंगे, 6:30 सुबह, तो आप भी 1 घंटा या 1 दिन चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Kale, for this eye-opening insight and highlighting that the effect on Himalayan region will not only impact the Himalayan region itself, but it is going to affect the entire Indian region. So now we are open for the question-answer session, and our teams will be providing you the mic. And those who want to ask questions, please raise your hand. And I would like to request the audience to kindly ask questions related to the topic as mentioned earlier. Thank you so much. सर, सबसे पहले तो आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि इतना बड़ा विजन लेके आप चले हैं वहां से, जो हर किसी का जिंदगी का मुद्दा है। और मैं तो सारे ऑडियंस को बताना चाहता हूं, आपके वेलकम के लिए हम इसी गुरुद्वारा साहब में उस दिन शाम को 6 बजे 16 चंदन के पेड़ हमने लगाए हैं पर्यावरण का मैसेज देने के लिए। उसकी बात में सवाल मेरे बार बार उठ रहा है कि 2019 के बाद ये दिक्कत है, मतलब 370 हटने के बाद में ये प्रॉब्लम आया है, पहले ऐसा नहीं था क्या? ये अभी तक मुझे कंफ्यूजन है, ये क्लियर करें जरा।
पहले भी छठवां शेड्यूल में लद्दाख के लोगों की रुचि थी जो पर्यावरण और संस्कृति को खासकर संरक्षण दे, मगर तब ये संभव नहीं था, मुमकिन नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 270 आर्टिकल के अनुसार ऐसा पास होना आसान नहीं था, क्योंकि कश्मीर में असेंबली में पास हुए बिना कोई और नियम नहीं लागू होती है, तो ये संभव नहीं था। जब और दूसरी तरफ 370 के अपने बहुत से संरक्षण के प्रावधान थे, तो उससे आधा पूरा हो जाता था, मगर जब वो हट गया, रहा नहीं, और दूसरी तरफ हटने से छठवां शेड्यूल लागू हो सकता है, तब लोगों ने मांग की कि अगर वो गया तो ये लागू होना चाहिए, और इसमें कोई दोराय भी नहीं थी, क्योंकि वो जहां 50% तक जनजातीय जनसंख्या हो लागू हो जाती है, यहाँ 90% से भी अलग ज्यादा है, ये तो एकदम जाहिर सी बात है। सर, एक मेरा आपसे अनुरोध भी है और एक सवाल भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लद्दाख का पंजाब से रिश्ता है वो बाबा नानक के टाइम से भी है, और जो हमारी 1842 में जो संधि हुई थी उसमें भी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उसमें जो कसम खाई गई थी वो हिमालय की थी, स्थानक देवी देवताओं की थी, तो मतलब कि उस टाइम में मतलब उस चीज का, प्रकृति का सम्मान किया गया था। तो पंजाब भी डाइवर्सिटी का सम्मान करता है, पर जो आज हिमालय में हो रहा है, चाहे वो लद्दाख से लेके उत्तराखंड तक, उसकी आग सबसे पहले पंजाब में आई थी, क्योंकि पंजाब में रिवर्स को डाइवर्ट किया गया। हमारी जैसे आपकी इकोलॉजी तबाह हो रही है, वो इकोलॉजी हमारी तबाह होती आ रही है, तो जब ऊपर बाढ़ भी आ जाती है तो भोगी हम ही बनते हैं। तो इसलिए मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये सिर्फ हिमालय का मसला नहीं है, स्थानिकता का, डाइवर्सिटी का, और जो अपने संसाधन का कंट्रोल का मसला है वो भी स्थानिकता का होना चाहिए, और पंजाब का आपको पूरा समर्थन है, और हम चाहते हैं कि ये अपेक्षा करते हैं कि जब आप वहाँ पर जाएं, बात रखें, तो ये भी बात करें कि पंजाब में भी जो रिवर डाइवर्ट करने का एक जो नेशनलिज्म के नाम पर काम हो रहा है, उसने भी पंजाब की इकोलॉजी तबाह कर दी है, और हमारा ग्राउंड वाटर तक खत्म हो रहा है। तो इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि जब आप दो तरीक को बात रखें, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप जो हिमालय की बात करोगे तो उसमें हमारा भी उतना हिस्सा है जितना आपका है, हम भी हिमालय की जो है गोदी में है, गोदी में है, गोदी में है, और हम हिमालय की रिस्पेक्ट उतनी ही करते हैं कि वो हम एक जीवित देवी देवता समझते हैं, और नदियां भी हम जीवित देवी देवता ही समझते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जब आप बात कर रखें तो उसमें ये भी रखें कि पंजाब भी तबाह हो रहा है, उसमें भी उसकी भी मांग ये है कि वहां का पानी है वहां के स्थानीय लोगों को दिया जाए। धन्यवाद। एलआर पदानिया, मेरे मित्र जो किसान आंदोलन मटका चौक से जुड़े, उनके बदौलत आज मैं आपके सामने आपके दर्शन कर रहा हूं। जो गुरु नानक देव जी ने हमें सिद्धार्थ संदेश दिया, पवन गुरु पानी पिता, हम नहीं चल सके, आप जैसे लोग चल रहे हैं। सो धर्म जाति जो आपने जाति धर्म की बात की है, अच्छी बात है, जाति धर्म से उठकर वातावरण को बचाना पड़ेगा। जो भी मेरे भाई पंजाब से बात की है, अभी लेटेस्ट इस समय पटियाला से जब सरहंद आते हैं, उस सड़क को चौड़ी करने के नाम पर जो 100-100 साल पुराने पेड़ हैं अभी काटे जा रहे हैं, अभी इसी समय। मैं पिछले हफ्ते निकला, मुझे बहुत दुख हुआ, एलआर बदानिया के साथ मुझे भी वातावरण से प्रेम हो गया, प्रेम तो मुझे पहले था लेकिन उनके साथ के साथ मुझे और गहरा रिश्ता जुड़ गया। और जब मुझे पता चला कि आपकी यात्रा शुरू हुई है हिमालय को बचाने के लिए, आप अनुगुरु पानी पिता के सिद्धांत पर चल रहे हैं, सो सल्यूट है सर आपको। जो सरकारों का काम है वो हम लोगों को करना पड़ रहा है, जो इतनी 542 लोग मंत्री एमपी को चुनकर भारत से भेजते हैं,
हमारे 117 एमएलए 13 एमपी पंजाब के हैं। मैं भगवान से डरकर कह रहा हूँ, वह सब नष्ट कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों को भगवान उम्र दे और हौसला दे, और ये सारी टीम को आपका साथ देने का बड़ा हौसला देता रहे, और ये हमारा भारत की संस्कृति सदा विजय रहे। पर्यटन को, पेड़ों को, हिमालय को बचाने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपके जरिए एक संदेश दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आपने अपने स्थानीय वहां पर जो समस्याएं हैं उनको पहचाना, आपने HIL इंस्टीट्यूट को भी खोला, तो वो आपने कैसे उसको पूरी यात्रा रही, क्योंकि अक्सर इंजीनियर बनने के बाद बाहर लोग जाकर कुछ ना कुछ नौकरी करना चाहते हैं, वैसा कुछ करना चाहते हैं, और वो बहुत अच्छा भी लगता है। आपकी वो यात्रा स्थानीय लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों के साथ काम करने में, टेक्नोलॉजी पे किस ढंग से काम होना चाहिए वैसे लोगों को तैयार करने में, वो आपकी यात्रा कैसी रही, आप उसके बारे में अगर 10-15 मिनट में। अच्छा, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी तनख्वाह लेने के लिए नहीं है, ये इंजीनियरिंग का अपमान है अगर आप सिर्फ उसे रोजी के लिए रखें। इंजीनियरिंग सोल्यूशन है समस्याओं का, और उसमें अप्लाई होना चाहिए। कोई इंजीनियर अगर समस्याओं को समाधान देता है तो उससे मत पूछिए आप क्यों कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनसे पूछिए। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा हार्डली ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं आपके सामने इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। तो जैसे कि दिल्ली चलो मूवमेंट का और आपने पहले भी एक हंगर स्ट्राइक भी किया था, तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी तक सरकार से कोई आपको रिस्पांस आया है कि वो आगे इस चीज पर क्या स्टेप लेना चाहते हैं या लेंगे। धन्यवाद आपका, आपकी रुचि का। अभी तक ऐसा कोई ठोस नहीं आया है, इसीलिए हम दिल्ली जा रहे हैं, ताकि हम दूर लद्दाख से नहीं, पास में दिल्ली में संसद के पास से हम उनको विनती कर सकें, आवाज दे सकें। मगर अभी तक नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ रहा है, तो आना पड़ेगा। मालिक सींचे 100 गड़ा रुत आवे पद होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ। जहाँ जागरूकता की बात है वहाँ पब्लिक कितना रेडी है क्लाइमेट चेंज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने में, वो जानना जरूरी है। जिम्मेदार मानव जाति का जितना संख्या बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उत्सर्जन होगा, उतना ज्यादा प्रदूषण होगा, तो ये तो है ही मानव निर्मित, ये सारे समस्याएं मानव निर्मित हैं। मानव जाति के आराम और ऐश, ऐश और आराम के लिए जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, उसके वजह से हो रहे हैं ना। गाय तो नहीं कर रहे हैं, कौवे तो नहीं कर रहे हैं, हाथी तो नहीं कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। इंसान अगर कम होते तो प्रदूषण भी कम होता, उत्सर्जन भी कम होता, समस्याएं कम होती, तो जनसंख्या के वजह से तो बिल्कुल ही है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मैंने बहुत सॉल्यूशन इतने नहीं सुने, इतनी डिस्क्रिप्शंस आपकी इश्यूज सुनी हैं, और जहाँ मैंने थोड़े बहुत सॉल्यूशन सुने हैं वो कभी भी ओवर पॉपुलेशन को एड्रेस नहीं करते। इट्स अ पॉलिटिकल एंड पब्लिक एजेंडा, आई थिंक वहाँ हेजिटेशन आ जाती है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये मैं मानती हूँ कि US बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज, पर आपने बात की कि जो हमारी डेवलपमेंट है, बहुत लोगों के लिए डेवलपमेंट एक नौकरी ही है, एक तनख्वाह ही है जिसके बिना उनका गुजारा नहीं है,
उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, या तो उनमें इतनी मोटिवेशन नहीं है कि वो ऑल्टरनेटिव ढूंढें, या फिर उनमें इतना बिजी स्केड्यूल है, ओवरवर्क की इश्यूज तो अब सरफेस हो ही रहे हैं इवन इन आईटी इंडस्ट्री, आम मजदूर की तो बात ही अलग है। तो अब किसी इंसान को अगर उसके काम की वजह से और उसकी नॉलेज में उसका काम हर्ट कर रहा है, डेवलपमेंट इज नॉट रियली डेवलपमेंट हर्टिंग, उसके पास ऑल्टरनेटिव। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि डेवलपमेंट मेरे हिसाब से बहुत हद तक नौकरी ही है, और नौकरी के बिना गुजारा होना किसी का भी मुश्किल है। सरकार ऑल्टरनेटिव ग्रीन जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही है, तो आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कि सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हैं टू अर्न ब्रेड फॉर देयर फैमिली, उनको आप क्या रास्ता दिखाएंगे कि वो कैसे अपनी जॉब को चेंज करके ग्रो एनवायरमेंट। ये जो आप कह रहे हैं तनख्वाह की बात, तनख्वाह या डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग जॉब्स, जॉब्स प्रोवाइडिंग सैलरी, ये मॉडल ही पश्चिम के दृष्टि से है कि आप पैसे लेंगे, पैसे से ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, वही आपको खुशियां देगी। ये भारत का दृष्टिकोण नहीं है। भारत की दृष्टिकोण जिसे दुनिया को सीखना होगा आज के सदी में खासकर, तो मुझे एक याद आता है जो भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कहा, जिसको बहुत जरूरी है खासकर पश्चिम के देश समझें, जहां हम ये सोचते हैं कि जिसके पास जितना सामान है, घर है, मकान है, गाड़ी है, वो उतना कामयाब है, जिसके पास नहीं है वो नाकामयाब है, गरीब है, गरीब नकारात्मक दृष्टि से गरीब। तो इसी के वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि सबको तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह भी इतनी चाहिए उतनी चाहिए। तो बुद्धा ने कहा कि फॉर ए ह्यूमन बीइंग इट इज ए ग्रेटर अचीवमेंट to eliminate a single desire than to fulfill 1000 desires. हजार ख्वाहिशों को पूरा करने से, हजार ख्वाहिशों को पूरा करने से बड़ा उपलब्धि है एक ख्वाहिश को खत्म कर सके। ये आज दुनिया को सीखने की जरूरत है, नहीं तो आप ख्वाहिशों में दबे रह जाएंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से दम निकले, बहुत निकले से अरमान अगर गिरती है कम निकले। Request the audience that the question answer session is open for only 10 minutes, and I would like to request you to ask only one question at a time and no counter question. Thank you. Last year, मैं लद्दाख में आया था दिल्ली में, जब सर आप protest कर रहे थे last year जुलाई में, तो सर मैं भी वहाँ गया था। तो सर last year भी हमें दिलासा दी गई थी कि हम इसको लागू कर देंगे, और हमने अपना protest बंद कर दिया था। लेकिन सर मैंने देखा कि जैसे कि किसान आंदोलन हुआ, एक साल चला, एक साल लोग डटे रहे, चाहे सरकार कहते रहे हम कर दे, जब तक वो ऑफिशियल नहीं हुआ तब तक लोग लगे रहे। तो सर अब आप दिल्ली जा रहे हो, लेकिन अगर आप दिल्ली जाएं और वो आपको दिलासा दे दें कि हाँ हम कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पूरा, मेरे ख्याल से तो आपको पूरा लेकर जाना चाहिए जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाता। क्या सिक्स शेड्यूल जो सर लागू हो के जाए पूरा, ताकि सर दिला सके, क्योंकि सरकार सर कह देती है कई बार आपको प्रोटेस्ट कर बीच में कि हम लागू कर देंगे, आप फिर सर रुक जाते हो, फिर सर फिर शुरू करते हैं, फिर रुक जाते हैं। सर हम सभी को मिलके जब तक सर ये पूरा नहीं हो जाए, चाहे इसमें सर एक साल लग जाए, हम सबको लगे रहना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात यहाँ तक मैं मानूंगा कि जब तक हम अपना हासिल ना करें तब तक लगे रहना चाहिए। अब वो किस समय अवधि में हो इसमें फर्क हो सकता है, तुरंत हो सकता है या लंबे समय तक, अगर जरूरत हो तो लंबे समय तक जुटे रहें, मगर खत्म नहीं करना चाहिए। ये हम उम्मीद नहीं करते हैं कि एकदम हो, अगर लंबा समय हमें वो थकाएं तो हम थकने के लिए अथक चलने के लिए तैयार हैं, ये हम बताना चाहते हैं। वो उसी मैसेज को देख के यहाँ के जीवन में क्या कठिनाइयाँ हैं वो इधर आके भुगत के देख के वापस जाने से पहले वहीं से देख लें। तो नहीं समझ आएगा मैं लद्दाख से दिल्ली क्यों आऊँ, जब वहाँ
10 साल पहले मर रहे हैं तो मेरा दिमाग खराब है क्या? जनेश सर, one second to talk. The question number sir, I am Mr. Fatima from Ladakh, Kargil. So, मेरे question बहुत genuine है, कोई great question नहीं है. मैं बस बोलना चाहता हूँ कि कोई future, मतलब कोई आप question, कोई आपके पास like कोई bright future generation of Ladakh और youth के लिए कोई advice like message कोई, कोई simple है question, कोई genuine नहीं है. तो मैं यही कहूंगा कि हम लोगों के देखा देखी में बहुत कुछ करते हैं और अपनी जिंदगी को आजाब बना देते हैं, नरक बना देते हैं, क्योंकि वो कहीं इंजीनियरिंग कर रहा है तो मुझे भी करना है, वो सिविल सर्विस कर रहा है तो मुझे भी करना है. आपको जो करना है वो करें ना, और उसमें कितना रुपए आता है वो जरूरी नहीं है. ऐसे बहुत से कामों में आज के लोग फंसे हैं जहां उनके पास सिर्फ रुपए हैं और कुछ भी नहीं है जिंदगी की वजह, इसलिए खुदकशियां भी करते हैं. तो पैसे कितना चाहिए ये आप कंडीशन दिमाग से देख रहे हैं. बहुत कम में भी बहुत खुशी से जिया जा सकता है. जैसे मैंने कहा, a greater achievement is to eliminate desires than to fulfill desires. तो आपका जिसमें दिल है उसको खुशी से कीजिए, वरना पैसे और कंफर्ट्स की बात करें तो आज से पहले भी कितने पीढ़ियां जिए हैं वो भी तो जिंदगी जिए हैं और काफी खुशी से जिए हैं. और अगर हम कहें कि कहां जिए वो, आज कितनी खुशी है, आज कितनी कंफर्ट है, तो फिर आज क्यों इतने खुदकशी हो रही है? अगर सुसाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब खुश नहीं है. तो खुशी के पीछे जाइए, ना कि पे पैकेज के पीछे और उसके वजह से खुदकशी के पीछे. हेलो सर, नमस्कार सर, मेरा नाम पारस है सर. मैं आप जा रहे हैं दिल्ली तक, एंड दिल्ली में सर मुझे पता है जो आपका इशू है सर, मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ. कि इससे पहले जैसे कि उन्होंने बताया कि इससे पहले भी आपने किया था, जब आप 25 डेज के आप फिर लद्दाख में थे, इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ने और सबने प्रोटेस्ट किया था, बट उसको गवर्नमेंट ने कोई हवा नहीं दी, ना मीडिया ने हवा दी. एंड सर अभी भी अगर ऐसा होता है, देखिए नहीं सर, सर मैं तो डिपेंड वहाँ पर